Good morning class. This is our new Anna Physio class in which today we will study about the menstruation, which is another topic of female reproductive system. देखिए menstruation के day one में dead endometrium की shedding होती है और vessels का constriction हो जाता है, seizures रुक जाएगा, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन और एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन जो कि नॉर्मली साइकिल के पाँचवें से छठे दिन पर होता है कि वापस एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाती है और वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन सीज हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन के डे वन पे तो डेड एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है और फिर ये वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होना मतलब इसका कॉन्स्ट्रिक्शन सीज हो जाता है और एंडोमेट्रियम वापस रीजनरेट हो जाती है साइकिल के पाँचवें से छठे दिन पर। साथ में एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का जो सर्कुलेटिंग लेवल है वो कम हो जाएगा ओव्यूलेशन के 14वें दिन जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल सर्कुलेटिंग लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, टिश्यू फ्लूड का लॉस होने लग जाएगा, स्पाइरल आर्टरियोल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा जिससे कि ब्लड सप्लाई उस एरिया में कम हो जाएगी, टिश्यू टूटने लगेंगे, अपर लेयर लॉस होने लग जाएगी, वहाँ ब्लीडिंग दिखाई देगी, रिमेनिंग आर्टरियल के फ्रेगमेंट से ब्लीडिंग दिखाई देगी और इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। फाइब्रोलाइसिस बढ़ जाता है और क्लॉटिंग कम हो जाती है। तो ये मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, डेड एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन सीज हो जाता है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद 14 डेज में, जिससे कि टिश्यू फ्लूड कम हो जाएगा, स्पाइरल आर्टरियोज में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट होते ही ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी डिस्टल पार्ट में, टिश्यू ब्रोकन डाउन हो जाएगा, अपर लेयर शेड होकर के ब्लीडिंग के साथ में निकल जाएगी और इसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। यहाँ फाइब्रोलाइसिस होता है और क्लॉटिंग कम हो जाती है। हीमोस्टासिस यूटेराइन एंडोमेट्रियम में देखने को मिलता है। हीमोस्टासिस इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज डिफरेंट फ्रॉम हीमोस्टासिस एल्सवेयर इन द बॉडी एज इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन एंड फाइब्रोसिस। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस हो रहा होता है, पर जो बाकी बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह पर जब ब्लड लॉस होता है तो उस ब्लड लॉस का, या आप ये कहिए उस हीमोस्टासिस का, इस हीमोस्टासिस प्रोसेस से बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा होता है कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जो हीमोस्टासिस चल रहा है और जो बाकी बॉडी पार्ट में कहीं और हीमोस्टासिस चलता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि बाकी बॉडी में कहीं पर भी हीमोस्टासिस चलता है तो वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन और फाइब्रोसिस का प्रोसेस चलता है। क्या चलता है, क्लॉट फॉर्मेशन और फाइब्रोसिस का प्रोसेस चलता है, जबकि यूटेराइन एंडोमेट्रियम में हीमोस्टासिस में ऐसा कुछ भी नहीं चलता, ये फ्लो कंटिन्यू 4 से 5 दिन तक चलेगा, उसके बाद ये अपने आप सीज हो जाता है। रेयर केसेस के अंदर टिश्यू ब्रोकन डाउन होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सही से हो नहीं पाती है, एंडोमेट्रियम जो है उसमें स्कार बन जाता है और ये फंक्शन और वो इसके फंक्शन को रोक देगा, तो इसको अपन एशरमैंस सिंड्रोम कहते हैं। अगर किसी की बॉडी में ये प्रोसेस चलता है कि चीज़ें रुक गई, जबकि नॉर्मली नहीं रुकता, 4-5 दिन फ्लो होता है और बाकी बॉडी में कहीं ऐसा थोड़ी होता है, चोट लग रही है 2 से 4 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे में ब्लीडिंग रुक जाएगी, इतना लंबा थोड़ी ब्लीडिंग कहीं पे भी चलती है, रुक जाती है, पर मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है। और अगर रुक जाए, अगर ये प्रोसेस सही ना चले, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन ना हो, टिश्यू ब्रोकन डाउन वगैरह सब रुक जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एशरमैंस सिंड्रोम। ये देखिए एशरमैंस सिंड्रोम है, कटेज दिखाई गई है एंटायर एंडोमेट्रियम की और मायोमेट्रियम का पार्ट दिखाया गया है, एक्सपोज मायोमेट्रियम है, फाइब्रोसिस एक्जुडेट के साथ में मायोमेट्रियम एक्सपोज होती दिखाई गई है, मैच्योर फाइब्रोटिक स्कार है अपोजिंग मायोमेट्रियम के बीच में, ये यूट्रस है फाइब्रोटिक स्कार के साथ में, जो कि जनरली स्कार नहीं बनता, पर कुछ एक ये एशरमैंस सिंड्रोम में ये ऐसा स्कार बन जाता है यूट्रस के बीच में, नॉर्मली नहीं बनता भाई, मेंस्ट्रुएशन को स्कार नहीं बनता, नॉर्मल एंडोमेट्रियम में कटे से पहले दिखाई गई कैसे दिखती और बाद में देखो ये कैसी हो गई, यहाँ पर स्कार बन गया जो नहीं बनना चाहिए।
अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो डायरेक्टर जो इसमें रोल प्ले करते हैं, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन F2A एंडोथेलिन 1 और प्लेटलेट फैक्टर या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF। वैसो डायरेक्टर में प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टासाइक्लिन PGI और नाइट्रिक ऑक्साइड NO होते हैं। रिसेंट रिसर्चेस ये बताती है कि प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल जो है वो बढ़ जाता है एंडोमेट्रियल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस से और PG का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। भाई क्या करें कि प्रोजेस्ट्रॉन का जो विड्रॉल होता है उससे एंडोमेट्रियल प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है और PG का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। कॉक्स टू कौन सा कॉक्स एंजाइम होता है जो कि एराकिडोनिक एसिड से PG को बनाता है। PG जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई। तो कॉक्स टू एंजाइम और कीमोकाइनेज जो है PG के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं और टारगेट नेसेट जो है वो इसीलिए यूज़ किया जा रहा होता हैवी पेनफुल पीरियड्स में। अगर किसी फीमेल में पीरियड्स बहुत हैवी पेनफुल आ रहे होते हैं उसमें ये कॉक्स इनहिबिटर नेसेट्स दे देते हैं। नेसेट जो है वो PG को नहीं बनाएगा, जिससे कि PG नहीं होगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इतना ब्लड लॉस नहीं होगा, पेन कॉज नहीं होगा। पर मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था, ये मैंने नेसल्स पढ़ाए थे आपको फार्माकोलॉजी में, नेसल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए या हार्मफुल साबित हो जाते हैं, डिसमेनोरिया एमेनोरिया जैसी कंडीशन कॉज कर देंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कॉज कर देंगे, इसलिए इनको नहीं लेना चाहिए। अब एंडोमेट्रियल रिपेयर होती है ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल रीजेनरेशन और एंजियोजेनेसिस के द्वारा। जो एंडोमेट्रियम झड़ गई थी, शेड हो गई थी, मेंस्ट्रुअल में निकल गई थी, वो वापस बनेगी। उसमें ग्लैंडुलर रीजनरेशन और स्ट्रोमल रीजनरेशन दोनों चलता है, एंजियोजेनेसिस भी चलता है। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स और फिर एंडोमेट्रियल वेस्कुलेचर वापस से बन जाएगा। इसके अलावा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF जो है वो ऐसा माना जाता है कि रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन इंड्यूस ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल रीजेनरेशन के लिए। कौन करवाता है रीजेनरेशन? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एस्ट्रोजन इंड्यूस ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल रीजेनरेशन करवाता है। दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGFs आते हैं, IGFs आते हैं, इंटरल्यूकिंस आते हैं, ये सब भी मेंस्ट्रुएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये प्रोलिफरेटिव फेज भाई देखिए, फॉलिकुलर फेज तो चलती है 0 से 14th डे तक, 14 डे ओव्यूलेशन हो जाएगा, फिर ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगी। ये यूटराइन साइकिल बताई गई है। मेंसेस 28 डेज तक ल्यूटियल फेज चलती है, फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाता है। अब सिक्रेटरी फेज देखिए, ओव्यूलेशन के बाद एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सिक्रेटरी एक्टिविटी का पीरियड आता है। प्रोजेस्ट्रॉन सर्ज के बाद में ईस्ट्रोजन इंड्यूस्ड सेल्यूलर प्रोलिफरेशन जो है वो रुक जाएगा और एंडोमेट्रियल थिकन हो जाती है और आगे वापस उसमें थिकनेस नहीं पाई जाती है, उसकी थिकनेस आगे नहीं बढ़ेगी। एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है वो उस वक्त ज़्यादा टॉर्शस हो जाती है, स्पाइनल आर्टरीज वहाँ पर ग्रो कर जाती है। टॉर्शस मतलब खूब सारी ब्लड वेसल्स वहाँ पर आ जाएगी, वो मोटी हो जाएगी, वहाँ ब्लड वेसल्स आ जाएगी, आर्टरीज जो है स्पाइनल आर्टरीज वहाँ ग्रो करेगी, फ्लूड जो है ग्लैंडुलर सेल से सीक्रेट होएगा यूट्राइन ल्यूमन के अंदर। बाद में सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो टेम्प्रेरी लेयर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेसीडुआ कहते हैं। एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा में डेसीडुआ का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक टेम्प्रेरी लेयर होती है, ये सिक्रेटरी फेज के दौरान बनती है। हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो ये ब्लड वेसल्स के चारों तरफ दिखाई देती है। स्ट्रोमल सेल जो है वहाँ पर उनकी माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन का जेनरेशन होने लग जाता है, नई नई बेसमेंट मेम्ब्रेन बनने लग जाएगी। ख़त्म यहाँ पर। दूसरी साइकिल देखिए, अब एंडोमेट्रियल साइकिल। एंडोमेट्रियल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुएशन से जस्ट पहले, बिल्कुल तुरंत पहले, इमीडिएटली प्रायर, 3 डिस्टिंक्ट लेयर एंडोमेट्रियम की देखने को मिलती है। बेसिलिस, स्ट्रेटम स्पेंजियोसम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। बेसिलिस जो है लोअर 25% एंडोमेट्रियम को कवर करती है, विल रिमेन थ्रू आउट मेंस्ट्रुएशन, पूरे मेंस्ट्रुएशन में रहेगी और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। दूसरा मिड पोर्शन होता है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम का, जिसमें एडिमेटस स्ट्रोमा और एग्जॉस्टेड ग्लैंड देखने को मिलती है। स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम में एडिमेटस स्ट्रोमा और एग्जॉस्टेड ग्लैंड्स देखने को मिलती है। और तीसरी जो सबसे ऊपर की सुपरफिशियल पोर्शन है 25% का होता है, ये स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम का बना होता है, इसमें खूब सारी प्रोमिनेंट डेसिडुअल
स्पेशलाइज्ड स्ट्रोमल सेल्स पाई जाती है या उसकी बनी होती है। लिए जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है तो डेसीडुआ जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, स्पाइनल आर्टरीज में रिलैक्सेशन हो जाएगा और एंडोमेट्रियम की आउटर लेयर यानी बेसिलिस की शेडिंग हो जाएगी, सॉरी बेसिलिस क्या कॉम्पैक्टम की शेडिंग हो जाएगी। बेसिलिस तो नीचे वाली लेयर थी, ये एंडोमेट्रियम साइकिल में आप देख लो भाई, सारी लेयर्स देखिए, ये रेडियल ब्रांच, यूट्राइन आर्टरी, स्ट्रेट आर्टरी बताई गई है, ये मायोमेट्रियम की लेयर है, ये बेसल जोन जहाँ स्पाइनल आर्टरीज वगैरह आपको दिखाई दे रही है, यूट्राइन ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, एंडोमेट्रियम की लेयर है, नीचे बेसल जोन, ऊपर स्पॉन्जीजोम और सबसे ऊपर कॉम्पैक्टम जोन। बेसल जोन तो बेसिलिस बना रही है, स्पॉन्जियोसम स्पॉन्जी जोन बना रही है और कॉम्पैक्टम जोन कॉम्पैक्टम बना रही है जिसमें कैपिलरीज, वीनस, लेक्स वगैरह दिख रही हैं आपको। ये फंक्शनल जोन है, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट जोन जो है फंक्शनल जोन होता है क्योंकि शेड होकर गिर जाएगा, जबकि बेसिलिस तो वहीं बनी रहती है, कहीं गिरती विरती नहीं है, शेडिंग कहीं नहीं होती इस लेयर की। बस इसके साथ ही आपका ये मेंस्ट्रुएशन नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू।